सवाल हुआ कि हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। ये कैसा सवाल है, ये किसने किया है, और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर ने क्या दिया? और आखिरी प्रश्न, हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? ये जो है इकोनॉमिक्स, कहीं ट्रेडिशन, कल्चर, इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब का एक कनेक्शन बनता है जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अब उन्होंने जो ये सवाल किया है कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, तो भाई देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पर। वहां पे यूएई की कंपनीज आके, एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करानी थी, तुसी घूमने के लिए उदय जाना है। तो उन्होंने, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया में थे आई थिंक, उन्होंने उनको समन कर लिया कि बताएं जनाब ये क्यों गए हैं, वो तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो तो हमारी टेरिटरी है, वहां पे बंदा क्या कर रहा है। आज वो चुप है, उस तरफ से बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे, हालात कैसे बदल रहे हैं, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो गया, हमें तो अब ये दिखता। यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल, है पीओके जाना है तुसी, ते वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो ये क्या? मकबूजा कश्मीर को, जो इंडिया के पास कश्मीर है वो उसको छोड़कर आए थे, तो तब आप तो बड़े खुश होंगे, लेकिन आप मौजूदा सूरत हाल देखकर आपको कहीं ना कहीं होता कि अगर साथ होता तो आज कुछ और होता, ऐसे ऐसे कोई दिल में बात आती है। क्या बात हुई, आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर, जन्नत नसीब जो बोला जाता है, तो उठे जाओ तो सीख। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। एक भारतीय शहरी ने ही पूछ लिया कि भाई पीओके तो हमारा हिस्सा है, नो डाउट, लेकिन उसमें हम जाएंगे कब से? जयशंकर साहब से ये सवाल पूछा गया, जयशंकर साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया, भाई बस आएगा, जा सकेंगे बहुत जल्द, बस भारत के युवाओं को ये बात याद रखना है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, और जिस दिन भारतीय सेना पाकिस्तान के जुल्म और सितम से उस हिस्से को आज़ाद कराएगी उस दिन से हम जा सकेंगे, और ये समय बहुत जल्द आएगा। अच्छा दोस्तों, ये सवाल सुन के पूरे पाकिस्तान मीडिया की जल गई, जल के पता ना आप लोगों को राख हो गई, कह रहे कि हाउ डे, ये सवाल कैसे पूछ लिया उस बंदे ने, और ये सवाल को टीवी पे दिखाया कैसे गया, पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, पाकिस्तान का हिस्सा कुछ नहीं है, बलूचिस्तान भी तुमने जो है लूटा हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, वो भी तुम्हारे हाथ से जाएगा, और पीओके तो पूरा दुनिया जानता है, तो तुम्हारा हिस्सा बहुत छोटा सा दोस्तों, ये पाकिस्तान है, मेरे ख्याल से ये लाहौर वाला थोड़ा जिस समय, इस समय जितना पाकिस्तान है, आप लोग मान के चलो कि आधा पाकिस्तान ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है ना, वो इलीगल है, पीओके भारत का है, तो इनका है क्या असली में? तो आप लोग इन्हीं से इनकी जहालत समझ सकते हो, और जयशंकर साहब का सॉलिड रिप्लाई और क्वेश्चन सुन के पाकिस्तानियों की कुछ दिनों तक जलेगी। अच्छा, सवाल तो किए गए, लेकिन ये कैसा सवाल था? एक सवाल ये किया गया कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, अरे कैसा सवाल है, ये क्या पूछ रहे हैं आप, और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो भी है, उन्होंने जो ये सवाल किया, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये क्या सवाल है। अब उन्होंने जो ये सवाल किया है कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, तो भाई देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पर। वहां पे यूएई की कंपनीज आके, एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करानी थे, तुसी घूमने के लिए उदे जाना है, यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल, है पीओके जाना है तुसी, ते वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो ये क्या बात हुई, आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर, जन्नत नसीब जो बोला जाता है, तो उठे जाओ तुसी की करण जाना है पीओके, मैंने दसो। अच्छा देखिए, हम ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। इसके जवाब पे उन्होंने बहुत मरतबा पूछा, यानी जब सारे उनके जवाब खत्म हो गए, तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे एक सवाल ये किया गया है कि हम कब जा सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो डॉक्टर जयशंकर के इस जवाब से हम क्या नतीजा खस करें, हम क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई गल नहीं, सती खैर है, कोई मसला नहीं, ऐसे ये तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, भी छोड़ा हुआ है, वो कह देते हैं कि वो जब काकर साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा, फिर इनकी जो है ना दुखती रग एक ही, अगर इनको बोल दो हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं, तो मसला ये है कि अच्छा इससे वैसे दूसरा, आप डॉक्टर जयशंकर के चुप रहने पर एक और जवाब भी आप अखज कर सकते हैं, और वो ये है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है।
तो ये नीम रजामंदी या रजामंदी तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसका जवाब क्यों देगा क्या कोई। अब देखें एक आम बंदे ने सवाल किया तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दे। तो वो काकर साहब, हम जो वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब हैं, वो बेस्ट बंदे हैं इसका जवाब देने के लिए। आपको पता है वो तो इस तरह गेशे वशे वशे छोड़ते रहते। तो पता ही चला मैंने ढूंढने के लिए कि क्या काकर साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो पता ही चला कि वो तो भाई बाहर घूमने के चक्करों में वो लंबी सैरें लंबी सैरों पर हैं। जो हम इंडिया की तरक्की की बात करते हैं, हम इंडिया की तालीम की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि देखें कहां पर पहुंच गया, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम। हम कहते हैं कि देखो हम क्या कहते हैं पूरी दुनिया को ही पता है कि इंडिया के सीईओज वहां से निकल निकल के नौजवान पूरी दुनिया के सीईओज बन रहे हैं। इसकी कोई रीजन है? तो इसकी एक सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि वहां के तालीमी इदारे बहुत जबरदस्त। कहा जाता है जब IIT के पढ़े हुए तो पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, और दुनिया के लोग जो है वो कहते हैं कि वहां पे जाके पढ़े या वहां के लोग आए हमारे पास। इसके अलावा एक और वजह, और वो ये है कि ये जो हमने देखा है एक इनकलाब, अगर हम भारत की तरक्की को एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखें तो होगा जिस तरह हम कहते हैं ना कि जनाब ये इनकलाब आया वो कुछ तो गलत इनकलाब, गलत से मुराद ये कि बुरे इनकलाब थे ना, कि जैसे बहुत सारे पास्ट में ऐसे इनकलाब आए हैं, रशियन रेवोल्यूशन और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और क्या जर्मनी में जो जो कुछ वगैरह वो जंगों के बाद या उससे पहले जो कुछ होता। लेकिन अगर आप तालीमी इनकलाब की बात करें या तरक्की के इनकलाब की बात करें, रेवोल्यूशन की बात करें, तो इंडिया का ये जो रेवोल्यूशन है प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, तो ये एजुकेशन की बिना पर है। एवरी डे पिछले 10 सालों के अंदर एवरी डे इंडिया के अंदर 2 कॉलेजेस बनते हैं। आप सोचें कि जिस कंट्री की प्रेफरेंस ये होगी वहां पर कैसा रेवोल्यूशन आएगा, और वो रेवोल्यूशन उन्होंने ला कर दिखाया। यानी उनकी प्रेफरेंस क्या रही कि हमने मैक्सिमम स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने, तो वो बता रहे हैं कि एवरी डे 2 कॉलेजेस हैव बीन ओपन्ड। अब लास्ट 10 इयर्स में अगर उनकी रेवोल्यूशन जो रफ्तार है उसकी तालीम की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की, इस तरीके से बनने की, तो फिर वो उन्होंने यहां पर नहीं पहुंचना था तो कहां पहुंचना पाए, तुसी पहुंचना सी, उन्होंने पहुंचना सी, वे रहते और किन्हें पहुंचना सी। तो आज जो बात की जा रही है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं या जो भी इस तरह की कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और स्पेस मिशंस जो हैं और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की वहां पर, तो उसमें ये देखे ना उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये रही है। देखिए ये सिमिलैरिटी जरा हम जब ढूंढते हैं तो पता ही चलता है कि वहां पर ये बताया जाता है कि जनाब हर दिन जो है नए कॉलेज बन रहे हैं, नए स्कूल खुल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज बन रही, और यहाँ पर जो है आपसे जब सवाल होता है तो पता ही चलता है कि किसी हुकूमत की कोई प्रेफरेंस ही कभी नहीं ये रहती। कोई हुकूमत जो है वो तालीम को अपनी बेसिक वो बनाती नहीं है। आप बजट उठा के देखें पाकिस्तान का, पिछले साल का देख लें, जितने मर्जी सालों का देख लें, बजट में तालीम पर कितना पैसा होता है, यानी जो डिपार्टमेंट्स सबसे कम बजट वाले रखे जाते हैं उनमें तालीम होती है, उनमें साइंस और टेक्नोलॉजी होती है, उनमें हेल्थ होती है, और ये 3 शोबे ऐसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा पैसा बजट में लगना चाहिए। लेकिन बजट का पैसा सबसे ज्यादा किस पे लगता है, असलहे पर लगता है। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि हम पीओके में कब जा सकेंगे, ये आप एस्टिमेटेड अपने हिसाब से बताएं, तो वो आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मैं पढ़ता हूं। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो ये नहीं कहूंगा कल परसों, लेकिन हाँ अगर 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहती है और जयशंकर साहब, जो सबसे मेन बात है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस कैबिनेट में रहते हैं 10 साल तक आने वाले, तो भाई मैं मानता हूं कि 10 साल में पीओके अपना हिस्सा होगा, लेकिन जयशंकर साहब का इस कैबिनेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा हो तो उसमें आप लोगों ने विदुर को देखा होगा, अगर आप लोगों ने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग चाणक्य को भी जानते होंगे, तो विदुर और चाणक्य अगर मैं बात करूं तो वो जयशंकर साहब में नजर आते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को जो भी लगता हो, तो अगर जयशंकर साहब रहते हैं भारत के कैबिनेट में तो मुझे जरूर भरोसा है कि पीओके भारत में मिल जाएगा और भारत को UNSC की परमानेंट मेंबरशिप भी मिल जाएगी, यानी भारत को वीटो पावर भी मिल जाएगा। लेकिन उस सब के लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं, जयशंकर साहब का लगभग लगभग अगर मैं कहूँ 10 साल तक देश की सेवा
करना जरूरी है। अगर वो देश की सेवा कैबिनेट में रह के करते हैं तो भाई दोनों काम भारत के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीओके इशू, एक यूएन की स्थायी मेंबरशिप, वो दोस्तों जयशंकर साहब दिला सकते हैं। और तो कोई मुझे फिलहाल नहीं लगता है जो इतना पढ़ा लिखा हो डिप्लोमेटिकली भी और सब कुछ की जानकारी, मतलब मैं जयशंकर साहब की डिफाइन नहीं कर सकता। उनकी बुक मैंने पढ़ने की कोशिश की दोस्तों, यकीन कीजिए कि मैं उनके बुक का लगभग 10 पेज भी नहीं पढ़ पाया, ये समझो कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी उतनी मतलब नॉलेज ना हो, समझ ना हो, बट समझने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कब फिनिश करता हूँ। लेकिन जयशंकर साहब ही ये कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।